वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं फैशन मेकअप एंड मी। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है और साथ ही स्किन का ऑयली होना और पिंपल्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस मौसम में अपने स्किन को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि इस सिचुएशन में कैसे आप घर की चीज़ों से अपने स्किन की इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा फेस मास्क बनाना बताऊंगी जिसे आप आसानी से घर पर बना लेंगे और उसे यूज़ भी कर लेंगे। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 चम्मच गेहूँ का आटा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कच्चा दूध। इसके बाद हम लेंगे गुड वाइप्स का लेमन इसेंशियल ऑयल, जिसकी हम कुछ बूंदे ही यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम लेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स और इसकी 1 कैप्सूल से इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिलाएंगे। और इसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसके बाद अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप बिना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किए हुए ग्लोइंग और फ्रेश स्किन पाना चाहते हैं तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फेस पैक आपके स्किन की डलनेस को ख़त्म करेगा और साथ ही आपके स्किन को आराम देगा और फेस को ग्लोई भी बनाएगा। गर्मियों में हमारे स्किन की चमक चली जाती है और फेस बहुत डल डल सा लगने लगता है। तब अगर हम ये फेस पैक लगाएंगे ना, तो इससे हमारी स्किन की डलनेस तो ख़त्म होगी ही और साथ ही स्किन ग्लोई और फ्रेश हाइड्रेट भी होगी और साथ ही आपके टैनिंग की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। इस पैक में मैं गेहूं के आटे का यूज इसलिए करती हूं क्योंकि गेहूं के आटे में फाइबर, जिंक और विटामिन ई पाया जाता है, जो आपके स्किन को हेल्थी, ब्राइट और ग्लोई बनाता है। और साथ ही इसमें यूज़ कच्चा दूध हमारे स्किन को क्लीन करता है और हमारी स्किन को फ्रेशनेस देता है। और विटामिन ई भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन ई आपके फेस के दाग धब्बों को, आपकी स्किन की ड्राइनेस, रिंकल, हाइपर पिगमेंटेशन और मुहासों को ख़त्म करने के साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इस पैक को लगाने से हमारी स्किन हेल्थी रहेगी और साथ ही हमारी स्किन फेयर भी होगी, क्योंकि इसमें लेमन इसेंशियल ऑयल हमारे स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा और इंस्टेंट ग्लो देगा। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सिर्फ होम रेमडीज़ या क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र लगा के ही हम अपने स्किन की ड्राइनेस और डलनेस को नहीं हटा सकते हैं। इसको करने के साथ साथ हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे आपके फेस की डलनेस खत्म होगी और स्किन नेचुरली ब्राइट भी होगी। फेस पैक लगाने के बाद हम सूखने के लिए इसे 15 मिनट छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा फेस पैक बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे और धुलने के बाद आपका मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस पैक को लगाने के बाद मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट, ग्लोई, सॉफ्ट और ब्राइट लग रही है। ये फेस पैक हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर आप इस पैक का यूज़ वीक में एक बार करोगे ना, तो इसके अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपकी स्किन की टैनिंग, डेड स्किन, फाइन लाइंस जैसी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी और फेस पर इंस्टेंट ग्लो आएगा और फ्रेशनेस आएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये फेस मास्क बनाना और इसे यूज़ करना कितना ईजी था। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और हाँ, इसे यूज़ करने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा, उसे आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।